हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप की जो जीएम पावर की मुद्दा है, यह एक बहुत ही बड़ी मुद्दा है। इस पर नहीं तो जो अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन है वह ध्यान दे रही है, और नहीं इस पर सरकार ध्यान दे रही कि जो प्रशिक्षु और अप्रेंटिस है उसके जीएम पावर की क्या होगा। अरसों से यह आस लगाया जा रहा है कि जीएम पावर के तहत भर्ती होगा, आज होगा कल होगा, लेकिन अब तो 2024 भी आने वाले हैं, लेकिन जीएम पावर के तहत अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। दोस्तों, जो एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी है, वह संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जीएम पावर को लागू कराया जाए। अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन पासवान जी ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपे हैं कि सर, जल्द से जल्द जीएम पावर के तहत अप्रेंटिसशिप की भर्ती किया जाए। दोस्तों, हमेशा प्रयास कर रहे हैं आशीष मिश्रा जी, चंदन पासवान जी, की जीएम पावर लागू किया जाए, और एक यह कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में रेलवे की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, उस वैकेंसी में यह संभावना लगाता है कि उस वैकेंसी से पहले किसी भी तरह से जीएम पावर लागू होना चाहिए, और जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं वह भी रेलवे की न्यू भर्ती के लिए ट्यूटर अभियान चलाए हैं, और उस ट्यूटर अभियान सफल भी हुआ है। तो यह निर्णय निकला है कि रेलवे की न्यू भर्ती आएगी, और उस भर्ती में जो अप्रेंटिसशिप है उसका जीएम पावर के तहत भर्ती होनी चाहिए। दोस्तों, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस भर्ती से पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ से मुलाकात किए हैं कि सर, जो अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षित बच्चे हैं, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप होने के बाद बेरोजगार है, उनका इस बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनको आप जो पुराना वाला जीएम पावर था उस जीएम पावर के माध्यम से सभी को ज्वाइनिंग आपको देना चाहिए। तो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस पर इसमें लगे हैं कि जल्द से जल्द जीएम पावर लागू कराया जाए, और जितने भी अप्रेंटिसशिप है सभी का समायोजन किया जाए। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है अप्रेंटिसशिप दोस्तों के लिए कि न्यू वैकेंसी से पहले जीएम पावर लागू होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। बहुत बड़ा अपडेट मैं आप लोगों को बताया जीएम पावर के रिगार्डिंग, और आप लोगों से भी यह आग्रह है कि जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है, जो बड़े बड़े एजुकेटर है, उनसे आप यह अनुरोध करिए कि जीएम पावर के लिए भी एक बार फिर से ट्यूटर कैंपेन चलाया जाए, ताकि न्यू भर्ती से पहले जीएम पावर लागू हो। तो दोस्तों, अब देखना है जीएम पावर लागू हो पाता है। हमें तो पूरी विश्वास है कि जीएम पावर लागू होने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों तो दोस्तों फिर से अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन की क्या नजर रहती है, इस पर मैं आपको बताता ही रहूंगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।